हेलो दोस्तों, होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ किस तरीके से आप लोग जो है वो किसी भी क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर फेसबुक पेज की एक्सेस ले सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना, business.facebook.com पे जाएंगे। वहाँ से आप लोगों ने ये नाइन डॉट्स पे क्लिक करना है और बिजनेस सेटिंग्स की ऑप्शन के ऊपर आप लोग आ जाएंगे। तो बिजनेस सेटिंग्स में आते हुए आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड से यूजर के नीचे पीपल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये ऐड बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, जिस पर्सन को भी जो है वो ऐड करना चाहेंगे उसकी जो है वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देनी है और एंटर प्रेस कर दें। उसके बाद दो ऑप्शन आगे आ रही है, एम्प्लॉई एक्सेस और एडमिन एक्सेस। एम्प्लॉई एक्सेस बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट है, ठीक है। अगर आपको खुद से एम्प्लॉई एक्सेस चाहिए, अपने आप को ऐड करवा रहे हैं क्लाइंट के ऐड अकाउंट में या किसी को ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग एम्प्लॉई एक्सेस हमेशा उसको देते हैं। अगर किसी को एज एडमिन ऐड करना चाहें तो फिर आप लोगों ने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अभी मैं सिर्फ एम्प्लॉई एक्सेस जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पेजेस जो है वो सिलेक्ट है, यहाँ से पेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से पब्लिश कंटेंट। एडवर्टाइजर के लिए हमें नॉर्मली इस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर किसी को एडमिन ऐड करना चाहे तो यहाँ से इस ऑप्शन को आप लोगों ने ऐड कर देना है। उसके बाद अगेन आप लोगों ने लेफ्ट साइड से ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ऐड अकाउंट दरमियान में से सिलेक्ट करना है और अगेन मैनेज कैंपेन्स की ऑप्शन को टिक कर देना है। और अगर अगेन आपने एडमिन किसी को ऐड करना है तो यहाँ पे एज एडमिन किसी को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैटलॉग की ऑप्शन है, अगर सेम किसी बिजनेसेस ने ऑलरेडी कैटलॉग्स बनाए हुए हैं तो इसी तरीके से आप लोग उसके भी एक्सेस ले लेंगे। अगर किसी बिजनेस की एप्स हैं तो इसी तरह ऐप की एक्सेस भी आप लोग ले सकते हैं। और इसी तरह पिक्सल, पिक्सल पर जस्ट एग्जाम्पल मैंने क्या करना है, इस पिक्सल की एक्सेस जो है वो लेनी है। पिक्सल के लिए हमेशा आप लोग एडमिन एक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों ने कस्टम कन्वर्जन बनानी है, बटन क्लिक्स वगैरह जो है वो बनाने होते हैं, तो वो सिर्फ व्यू पिक्सल से आपकी ऑप्शन स्टैंडर्ड एक्सेस से पूरी नहीं होगी, आपको एडमिन एक्सेस जो है वो चाहिए होगी। और उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इनवाइट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से कोई भी पर्सन जो है वो आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा और उसको फेसबुक पेज की और एड मैनेजर की और उसके साथ पिक्सल की एक्सेस जो है वो मिल जाएगी।